चमन में गुल खिलाने को, चमन में गुल खिलाने को नए अंसर नहीं आते, यही मिट्टी समरती है, यही जर्रे उभरते हैं। आप सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा काम किया है, इसकी प्रशंसा से ज्यादा की जानी चाहिए। लेकिन रास्ते में कांटे भी थे, सूद भी थे, सरपट रास्ता होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने वो रास्ता तय किया है जो हर इंसान नहीं कर सकता। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा में आप लोगों ने यह करिश्मा किया है, मेहरौली के नौजवानों के लिए आने वाले समय में यह ग्राउंड काम आएगा। महेंद्र चौधरी जी ने एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया है, दूसरी तरफ बास्केटबॉल का बना दिया है, बीच में क्रिकेट का है और यहाँ पर फुटबॉल का एग्जीबिशन मैच भी होगा। इस तरह से आप सब के लिए ख्याल रखते हुए उन्होंने यह ग्राउंड तैयार किया है। सेठी साहब और हमारे अजीत देशवाल जी, आप सब ने देखा था, आप सब ने देखा था इस ग्राउंड की क्या हालत थी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद ये रूप निखरा है और ये सदा के लिए आपको काम आएगा। आप यदि यहाँ पर कदम ताल करेंगे, व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, तो आपकी प्रवृत्तियाँ बुरे कामों में नहीं लगेगी, आप अच्छे कामों के लिए प्रवृत्त होंगे और सेहत बनाएंगे आप अपनी। जिस प्रकार से बाज के पास सांप नहीं आता है, उसी तरह से आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। आप सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपने बुजुर्गों का अभिवादन करें। हमारे पीरजादा साहब बैठे हैं और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सब्रवाल साहब हैं। देखिए, एक बात जरूर याद रखिए, आप जहाँ खेल कूद में रुचि रखे वहाँ अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करिए। इस समय ये दुर्भाग्य होता जा रहा है कि हम अपने बुजुर्गों को भूल रहे हैं। बुजुर्गों को मत भूलिए, जो बुजुर्गों की सेवा करता है उसको तीन चीज मिल जाया करते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यं मृदोप सेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, चारों चीजों मिल जाया करती हैं, वो आपको भी मिलेगी। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। अंतिम मैच का आप मजा लीजिए और उसके बाद जो इनामात भाई महेंद्र जी ने और आप सब ने मिलकर के रखे हैं वो बांटिए। धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी ग्राउंड से बाहर आ जाएं, मंच पर सुरेश राठौर जी आ जाएं, सुधीर गुप्ता जी आ जाएं, संजय भाई।